हेलो दोस्तों, कल की मेरी स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए दरवाज़ों का संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना चाहती हूँ, जिसमें पहला दरवाज़ा शाहबाद गेट, दूसरा नवाब गेट, तीसरा बरेली दरवाज़ा, चौथा पहाड़ी दरवाज़ा, फिर बिलासपुर दरवाज़ा, खुसरो बाग दरवाज़ा जिसे ईदगाह भी कहते हैं, और डूंगरपुर का दरवाज़ा, मोरी दरवाज़ा, तोपखाना दरवाज़ा और सराय दरवाज़ा। निम्न 10 दरवाज़ों की कहानी है। नवाब दरवाज़ा, नवाबींस की इस दरवाज़े में से शहर में दाखिल होते थे। यह ख़ास बाग और गांधी समाधि के करीब बीच स्थित हैं। इसके दोनों दरवाज़े पर चबूतरे बने थे जिन पर तोपें भी रखी जाती थीं। शाहबाद दरवाज़ा, ये तहसील शाहबाद को जाने वाले रास्ते के बिल्कुल सामने है, इसलिए इसका नाम शाहबाद दरवाज़ा पड़ा। यहीं से राह मुर्तजा शौकत अली रोड सिविल लाइन तक जाती है। ईदगाह से बहुत करीब होने के कारण इसे ईदगाह गेट भी कहते हैं। बरेली दरवाज़े को जाने वाली सड़क पर बने इस दरवाज़े को बरेली गेट दरवाज़ा भी कहा जाता है। पहाड़ी दरवाज़ा, यहाँ से एक सड़क पहाड़ी गांव को भी जाती है जो कस्बा केमरी तक पहुँचती है, इसलिए इस दरवाज़े को पहाड़ी दरवाज़ा कहा जाता है। बिलासपुर दरवाज़ा, शहर से बिलासपुर को जाने वाले रास्ते पर बने इस दरवाज़े को बिलासपुर दरवाज़े के नाम से जाना जाता है। ईदगाह गेट, यह डिग्री कॉलेज से मिला गेट था। डिग्री कॉलेज कोठी खुसरोबाग की इमारत में स्थित है, इसलिए इस दरवाज़े को खुसरोबाग दरवाज़ा भी कहा जाता था। इस सड़क पर डिग्री कॉलेज के पीछे एक दरवाज़ा और भी स्थित है, डूंगरपुर का दरवाज़ा। यह जिला जेल के करीब है, इसे जेल खाना दरवाज़ा भी कहते हैं। मोरी दरवाज़ा, इस दरवाज़े के करीब पहले कभी वसीले दादा को मोरी थी, इसलिए मोरी दरवाज़े के नाम से मशहूर हुआ। वासिल दादा की कब्र भी यहीं किसी जगह मौजूद है। तोपखाना दरवाज़ा, चूंकि इसके करीब तोपखानों की एक इमारत है, इसलिए तोपखाना दरवाज़ा ज़्यादा मशहूर हुआ। यह रज़ा इंटर कॉलेज स्टेडियम के काफ़ी करीब है। सराय दरवाज़ा, यह मुसाफिरों के ठहरने के लिए सराय स्थित थी, इस कारण इसे सराय गेट के नाम से भी जाना जाता है।